हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू क्वेश्चन, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेरॉइड इज टेस्टोस्टेरोन, शो द वेरियस स्टेप्स फॉर सेंसेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन से टाइप का स्टेरॉइड है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इट इज़ अ स्टेरॉइडल हार्मोन। ये क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है, और सेक्स हार्मोन है, और सेक्स हार्मोन है दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एंड्रोजन्स। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एंड्रोजन्स की कैटेगरी में आता है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स की कैटेगरी में ये फॉल करता है स्टेरॉइडल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम इसकी सिंथेसिस के स्टेप्स देखेंगे, किसके इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। तो फिर से वही चीज़ फिर से जो पहले से कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, दैट इज़ हम पहले लेंगे हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वैसे ही सॉरी फिर से यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन वेज हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में हमारे पास साइड चेन आ जाएगी, ठीक है, साइड चेन आ गई। अब एक मिथाइल ग्रुप, एंगुलर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ओके। जब इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे, ठीक है, और साथ में ब्रोमीन डालेंगे, पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, मतलब हम OH ग्रुप की एसिटाइलेशन करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, OH ग्रुप को सीधा एसिटाइल ग्रुप में चेंज कर देना है, तो ये हमारा एसिटाइल ग्रुप बन गया, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर Br2 ऐड कर रहा है, ये Br2 डबल बॉन्ड पर ऐड करता है, तो ये इस तरीके से Br होता है, पहले एक Br अटैच होता है, फिर सेकंड जो Br पॉजिटिव बन जाता है वो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है उस पर अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक Br जो है हमारा जो है, एक हम डैश पर लगा देंगे और एक हम Br जो है वेज पर लगा देंगे, ओके। अब देखो फिर से वो ही स्ट्रक्चर हमारा, दो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स, एक हमारी जो है साइड चेन, ठीक है, हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल एसिटेट डायब्रोमाइड बन गया, क्या है, कोलेस्ट्रॉल एसिटेट डायब्रोमाइड। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सीधा यहाँ देखिए कि ये AC और BR लगे, ठीक है। अब हम किस में क्या डालेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ की साइड चेन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये साइड चेन की जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हम सीधा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास साइड ऐसे ग्रुप रहेगा, ठीक है। पेपर में तो आपने पूरा ड्रा करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन में शो कर दी, बाकी सारा जैसे था वैसे ही रहेगा, क्लियर। तो ये यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन से, तो वो वैसे ही बिल्कुल हाइड्रोजन रहेंगे जैसे पूरी चेन आगे जाके बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड डालेंगे, एंड सेकेंड प्रोसेस स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी, पहले जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड फिर हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर इसमें इसे क्या होगा, यहाँ पर जो एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ही एसिटाइल ग्रुप है, वो चेंज हो जाएगा इनटू OH ग्रुप, ठीक है। साथ में हमारे जो Br ब्रोमीन है वो भी निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस से जिंक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर से शुरू से बना रहे थे इसको, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पर दो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन से एक डैश पर दो हाइड्रोजन, एक वेज पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, क्लियर। तो ये हमारा जो है डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, ये हमने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस कर रहे थे। तो अब इसके ऊपर हमने फिर से क्या डालना है, एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में रिडक्शन के रिएजेंट्स सच एज सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये हमारे बिच रिडक्शन के रिएजेंट्स हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास जो डबल बॉन्ड ओ है ना, वो OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ जो है वो OH में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, तो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स एक यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड डाले तो फिर से ओ OH जो है वो एसिटिक वाले ग्रुप में, एसिटेट ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या डाला, फिनाइल कार्बोनिल क्लोराइड, मतलब ये हमारा जो है हमारा एसाइलेशन रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसाइलेशन करनी है, क्या करेंगे ओ OH की जगह पर ओ OH के साथ एच रिमूव हो जाएगा, सी एल रिमूव हो जाएगा और क्या रह जाएगा, सी ओ पी एच, ठीक है। और सेकेंड जो है हमारे पास क्या करेंगे, माइल्ड हाइड्रोलिसिस करनी है, क्या करनी है, माइल्ड हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि हमने ये एसिटिक एनहाइड्राइड डाल क्यों डाला यहाँ पर, फिर तो हाइड्रोलिसिस तो करनी थी, हमने इसलिए डाला ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो जाए, ओ OH जो है वो ये वाला जो है इसके साथ पी एच सी ओ ना कम्बाइन हो जाए, इसलिए हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के बेंस में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ पर ओ OH बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस करिए, यहाँ पर जो है ओ OH की जगह पर ओ के साथ सी ओ पी एच लग जाएगा, क्लियर। बाकी सारा फिर से सेम, ओके। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, दो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स एज इट इज, इसकी हमने क्या करनी है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो है ओ OH में डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये इसको नेक्स्ट शीट पर करते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। तो देखो ये हमारा ओपन एयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, अब इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर सी ओ पी एच निकल जाएगा और यहाँ पर ओ OH लग जाएगा। तो ये हमारा जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सॉरी ये जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन, तो वही यहाँ पर फिर से फॉर्म होना शुरू हो गया, ये ओ OH है, ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और ये दो एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो यही तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो यही हमारा स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे यहाँ पर सेंसेस कंप्लीट होती है। अब देखो कितनी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कितनी जल्दी जल्दी सेंसेस हो रही है, तो ये पेपर में भी बहुत जल्दी लिखी जाएगी अगर आपको ऐसे ही याद होगी, ठीक है। तो इस तरीके से याद करके जाइए, आपको कभी नहीं भूलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू सो मच।